यमुनानगर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अटैकिंग मोड में नजर आए। मीडिया से रूबरू होते हुए निर्मल सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी का सूपड़ा साफ करने का मन बना चुकी है। हरियाणा में गठबंधन की खबरें केवल अखबारों तक सीमित है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। देखिए जी, अखबारों में खबरें हैं, हवा में हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। कांग्रेस अपने आप में अकेली चुनाव लड़ने में सक्षम है, कोई अलग से धड़ा नहीं बनेगा। हुड्डा साहब जो हरियाणा के दिल में बसते हैं, वो एक क्षेत्र लीडर जहां हरियाणा के हैं, उसी तरह कांग्रेस पार्टी के भी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन को लेकर कई बयान सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता निर्मल सिंह ने गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। ये कह के मात्र कि हम मेरिट पे नौकरियां देंगे, आपका वादा क्या था? आपका वादा तो पर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का था, बेरोजगारी भत्ता देने का था। और अब जितनी करप्शन नौकरियों में इस सरकार में है, या वैसे करप्शन इस सरकार में है, रिकॉर्ड तोड़ रही है सरकार। अब देखना होगा कि हरियाणा विधानसभा के रण में कौन विजयी होता है। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता है या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगा। R9 TV के लिए यमुनानगर से कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।